राजस्थान में साल 2021 में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लीक पेपर के संबंध में एक महत्वपूर्ण घटना में मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई और केंद्र निदेशक राजेश खंडेलवाल को गिरफ्तार किया है। दोनों पुलिस जांच के दौरान भी एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। इसके अलावा जेईएन भर्ती पेपर लीक के आरोपी लाइब्रेरियन शिव रतन मोट भी उनसे कोर्ट संबंध नकार कर रहे हैं। जब जांचकर्ताओं ने तीनों को एक साथ लाया तब भी उन्होंने पहले ही एक दूसरे को जानने से मना कर दिया था। पूछताछ के दौरान यह सामने आया कि जगदीश बिश्नोई ने पेपर लीक का जाल बिछाने के लिए राजेश खंडेलवाल हसनपुरा जयपुर के रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के केंद्र अधीक्षक के माध्यम से किया था। गिरफ्तार हुए शिक्षक राजेंद्र कुमार यादव ने जगदीश बिश्नोई से ही मुलाकात की थी। इसके बाद राजेश ने उसके बाद जगदीश बिश्नोई गैंग के सदस्य यूनिक भाबू उर्फ पंकज चौधरी और लाइब्रेरियन शिव रतन मोट के साथ मिलकर परीक्षा से पहले पेपर लीक करने की प्लानिंग की थी। बता दें कि पंकज चौधरी चूरू का रहने वाला है, वहीं शिव रतन मोट गंगानगर में रहता है। एसआई भर्ती परीक्षा 3 दिन तक हुई थी। जांच में पता चला कि पहले 13 सितंबर को पेपर लीक करने की प्लानिंग थी, लेकिन परीक्षा से कुछ समय पहले ही पेपर आने के कारण लीक नहीं हो सका। इसके बाद 14 और 15 सितंबर को इन सभी ने मिलकर पेपर लीक कर दिया। सूत्रों के अनुसार केंद्राधीक्षक राजेश खंडेलवाल को पेपर लीक कराने के लिए टीचर राजेंद्र कुमार यादव ने ही सेट किया था। इसके बाद पेपर लीक में मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई, केंद्राधीक्षक राजेश खंडेलवाल, यूनिक भाबू और शिव रतन मोट ने ही पेपर लीक की पूरी प्लानिंग की थी। प्लानिंग के तहत यूनिक भाबू को सेंटर पर रखना था, इसलिए उसे इनविजिलेटर बनाया गया। यूनिक भाबू और शिव रतन मोट ने ही पेपर लीक की पूरी प्लानिंग की थी। प्लानिंग के तहत यूनिक भाबू को सेंटर पर रखना था, इसलिए उसे इनविजिलेटर बनाया गया। यूनिक को स्कूल के ऑफिस में बड़े छोटे कमरे में छिपा दिया गया। वही चेकिंग के दौरान भाबू की जगह शिव रतन मोट को तैनात कर दिया गया था। मोट को व्याख्याता बनाया, चाय पानी पिलाने का काम सौंपा गया। ड्यूटी करने के लिए 300 रुपए हर दिन के हिसाब से देना तय हुआ। जब पेपर लीक हो गया तो भाबू मोट को 3 लाख रुपए अलग से दिए गए। राजेश खंडेलवाल ने यूनिक भाबू को पेपर आने से 2 घंटे पहले ही कमरे को बुखारी में छिपा दिया था। यहां से भाबू ने सील्ड पेपर की टेप को काटकर पेपर का फोटो खींचा, जगदीश को भेज दिया। इसके बाद वह बुखारी में पेपर होने के बाद तक बैठा रहा। करीब 5 घंटे बुखारी में रहने के बाद वह बाहर निकला। उसके बाद दूसरी पारी के पेपर के लिए भी पहले से जाकर बुखारी में बैठ गया। आरपीएससी की ओर से पेपर कराने के लिए बनाया गया तंत्र इतना कमजोर था कि उसे जगदीश और राजेश ने मिलकर तोड़ दिया। 300 रुपए मात्र में पेपर लीक माफिया को वीक्षक बनाकर पेपर लीक करा दिया। इसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। एसओजी ने जब वीक्षक के तौर पर कागजों में किए हस्ताक्षरों की जांच की तो भाबू और मोट का खुलासा हुआ। एफएसएल की 3 सदस्यों की टीम ने बुधवार को एसओजी पहुंचकर गिरफ्तार किए सभी 14 एसआई के हस्ताक्षर नमूनों की जांच की, जिसमें प्रारंभिक तौर पर 3 एसआई के हस्ताक्षर मिले, जिससे तीनों ने डमी होने की आशंका भी जताई जा रही है। इसके साथ ही एसओजी ने इस मामले में 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जनता दरबार न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही।